अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ आसिफ कमाल, योर इंग्लिश टीचर। हाउ आर यू डूइंग ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एट होम। हियर वी आर विद अनदर वीडियो लेक्चर दैट इज़ ऑन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट our today's lecture. Present continuous tense. In this part of the video lecture, we will deal with negative and interrogative sentences. So first of all, negative sentences, look at the structure: subject, then is, am, are, helping verb, then not, then first form with ing. It is also called fourth form or present participle. Then object. Look at the examples: she is not washing clothes, the beggar is not counting coins. Interrogative sentences, look at the structure first: is, am, are at the start of the sentence, then subject, then first form with ing, then object and question mark. Look at the examples: are we printing a new book? Am I watching a movie? Is she writing a letter? So these are the examples and structure how you will deal with negative and interrogative sentences. So here is a page from your book. First of all, in the case of negative sentences, we use not after is, am, are, with the first form of verb followed by ing. अगेन ये भी नेगेटिव की एग्जाम्पल्स दी हुई हैं आपकी बुक में से, चलिए इनको भी रीड आउट कर लेते हैं। रिक्शा इस तरफ नहीं आ रहा है, रिक्शा इज नॉट कमिंग दिस वे। लोग हवाई अड्डे पर नहीं जा रहे हैं, पीपल आर नॉट गोइंग टू द एयरपोर्ट। बच्चे शरारतें नहीं कर रहे हैं, चिल्ड्रन आर नॉट मेकिंग mischiefs। मैं इसको राज नहीं बता रहा हूँ, आई एम नॉट टेलिंग हिम द सीक्रेट। हम यहाँ किसी का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट वेटिंग फॉर एनीवन हियर। वो मुस्करा नहीं रही है, शी इज़ नॉट स्माइलिंग। कुत्ते हड्डी पर नहीं लड़ रहे हैं, द डॉग्स आर नॉट फाइटिंग ओवर द बोन। हम जायदाद तकसीम नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट डिवाइडिंग द प्रॉपर्टी। तुम अपने साथी से ताउन नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट कोऑपरेटिंग विद योर फ्रेंड। शरीफ आदमी तुम्हें हकारत से नहीं देख रहा है, द नोबल मैन इज़ नॉट लुकिंग डाउन अपॉन यू। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेज फ्रॉम योर बुक। हियर इज एक्सरसाइज, एक्सरसाइज भी है, इसके कुछ सेंटेंसेज आगे ट्रांसलेट किए गए हैं आप लोगों के लिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है इंट्रोक्टिव। व्हेन वी ट्रांसलेट इंट्रोक्टिव सेंटेंसेस और क्वेश्चन इज, एम, आर इज यूज्ड बिफोर द सब्जेक्ट। जैसा कि पहले आपको स्ट्रक्चर में भी बताया मैंने कि जब हम इंट्रोक्टिव सेंटेंसेस से डील कर रहे होते हैं तो फिर इज, एम, आर जो हेल्पिंग वर्ब है ये सेंटेंस के स्टार्ट में यूज होते हैं। सो लुक एट द एग्जांपल्स, क्या बच्चा सो रहा है, इज द बेबी स्लीपिंग। क्या तुम खबरें सुन रहे हो, आर यू लिसनिंग टू द न्यूज। क्या खिलाड़ी मैच खेल रहे हैं, आर द प्लेयर्स प्लेइंग द मैच। क्या सलमा अपनी खाला के घर जा रही है, इज सलमा गोइंग टू हर आंट्स हाउस। लोग कहाँ नाच रहे हैं, वेयर आर द पीपल डांसिंग। तुलबा स्कूल से जल्दी वापस क्यों आ रहे हैं, वेयर आर द स्टूडेंट्स कमिंग बैक अर्ली फ्रॉम स्कूल। हवाई जहाज यहाँ क्यों उतर रहा है, Why is the plane landing here? घंटी कौन बजा रहा है, Who is ringing the bell? मेहमान कब यहाँ पहुँच रहे हैं, When are the guests arriving here? So these are the examples of interrogative sentences from your book. Negative के भी examples read out कर ली हमने, interrogative की भी कर ली, और structure already हम यहाँ पर mention हो गए, समझा दिए स्ट्रक्चर्स भी आपको।
अब कुछ ट्रांसलेशंस हैं सेंटेंसेस की। नेक्स्ट ये आपकी एक्सरसाइज है इंट्रोक्टिव की, क्या चांद निकल रहा है, क्या बुरे लड़के बसों पर पत्थर फेंक रहे हैं, क्या मजदूर मिट्टी खोद रहे हैं, तुम अपना मकान क्यों बेच रहे हो। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स मूव टू द ट्रांसलेशन ऑफ योर सेंटेंसेस फ्रॉम बोथ एक्सरसाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल नेगेटिव सेंटेंसेस, सॉरी फॉर दैट, ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज आई कुडंट राइट उर्दू विद दी सेंटेंसेस, मैं उर्दू नहीं लिख पाया, थोड़ा सा इशू हो रहा था इस वजह से। सो ओनली इंग्लिश इज गिवन हेयर, आई मीन ट्रांसलेशन इज गिवन हेयर, ट्रांसलेशन दी गई उन सेंटेंसेस की। मैं वैसे आपको उर्दू भी इनके साथ साथ बता दूंगा। यू आर नॉट गिविंग मी योर एड्रेस, आप मुझे अपना पता नहीं बता रहे हैं। द गवर्नर इज नॉट प्रिजाइडिंग ओवर द मीटिंग, गवर्नर जलसे की सदारत नहीं कर रहा है। यू आर नॉट क्रिटिसाइजिंग माई ओपिनियन, तुम मेरी राय पर नुक्ताचीनी नहीं कर रहे हो। द लेबरर्स आर नॉट श्रीकिंग वर्क, तुम मजदूर काम से जी नहीं चुरा रहे हैं, मजदूर काम से जी नहीं चुरा रहे हैं। So these are the four sentences that are translated for you from your first exercise. Interrogative sentences. अब ये आपके ये जो interrogative की exercise थी, इनकी सवालिया की जो exercise थी उसमें से ये sentences दिए गए। Are the bad boys throwing stones at buses? क्या बुरे लड़के बसों पर पत्थर फेंक रहे हैं। हाउ मैनी पीपल आर शेयरिंग दिस बिजनेस, तो कितने आदमी इस कारोबार में शरीक हो रहे हैं। इज द शॉप कीपर ओवर चार्जिंग द कस्टमर, क्या दुकानदार गाहक से ज़्यादा पैसे वसूल कर रहा है। विच मैगजीन आर यू रीडिंग, तुम कौन सा रिसाला पढ़ रहे हो। सो these are the few sentences that are translated for you just for your understanding, ताकि आपको इनका जो concept है वो समझ आ जाए। That's end of today's lecture. Take care of yourself. Allah Hafiz.